नमस्कार आदाब, मैं प्रगति चौहान हाजिर हूँ एक नई पर्सनालिटी के साथ। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ मिसेस आरती मित्तल जी के साथ, जो कि मदर टच की डायरेक्टर है, वेरी वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ अलीगढ़। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आपका टाइम हमें मिला है बिजी स्केड्यूल में से, तो क्या आप कुछ सवालों के जवाब देंगी? बहुत खुश होके देना चाहूंगी आप लोगों के सवाल के जवाब। ओके, तो मैं सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछना चाहती हूँ ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट आपकी नजरों में क्या है? मेरी नजर में वुमेन एम्पावरमेंट है कि अगर एक औरत जो है सेल्फ डिपेंडेंट होती है हर तरह से, फिजिकली भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, फाइनेंशियली भी वो अपने आप को स्टेबल रख सकती है, और अपनी फैमिली को भी वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। यही मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट होता है, कि वो उसके पास हर चीज की पावर, हर चीज का डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करने का भी उसके अंदर हौसला होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर मैं संघर्ष की बात करूँ, स्ट्रगल्स की और चैलेंजेस की, चुनौतियों की बात करूँ, तो मिसेज आरती मित्तल जी ने कितने चैलेंजेस और स्ट्रगल फेस करे हैं सिंस बिगनिंग, मुझे सब कुछ बताइए। मुझे लगता है स्ट्रगल्स कहीं ना कहीं आपको और निखारते हैं, और शायद ये निखार मेरे अंदर जो भी देख पाते हैं या जो भी आप मेरे को आज पा रहे हैं वो शायद यही वजह है, क्योंकि स्ट्रगल्स से गुजरने के बाद जो तप के निकलता है वही सोना होता है। और स्ट्रगल्स बहुत किए, पढ़ाई के टाइम पे भी बहुत स्ट्रगल्स किए, और उसके बाद जब वर्क में आए तो भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चली, हाँ काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लेकर चली, लेकिन अच्छा लगा बिकॉज एट द एंड आई वॉज सक्सेसफुल। स्ट्रगल्स के बाद आपका रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो मजा आता है, तो उसकी जो जीत होती है ना उसकी खुशी भी बहुत अच्छी होती है। करेक्ट, करेक्ट। अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बताइए, अपने मामा पापा के बारे में, क्या आपके स्टार्टिंग से स्केड्यूल रहता था, क्या था, सब प्लीज मुझे बताइए। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे। And he was a freedom fighter too. Yes, he was a freedom fighter also. बहुत एथिक्स वाले पर्सन थे वो, और मामा बहुत कूल थी, लेकिन स्टडीज को लेके वो थोड़ा सा कॉन्शियस ज्यादा थी। फादर मेरे मतलब उस तरह के लोगों में से थे जो ब्राइड देना पसंद नहीं करते थे और अपने उसूलों के बहुत पक्के थे, तो इस तरह का प्लस उनके लिए ये होता था कि बहुत मैनेज्ड हमारी लाइफ होती थी, कि मतलब वी हैव टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और पूरा घर का काम भी करना होता था और स्टडीज भी करनी होती थी। पैम्पर नहीं करते थे वो लोग हमें, और वो हमें जिंदगी की जो हकीकतें थी उससे जरूर वाकिफ कराते थे, और यही वजह थी कि हमें स्ट्रगल करने का आदत सी हो गई। बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। कैसा सर? धनक फिल्म स्कूल, अ प्लेस ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन स्टडी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैम, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर प्लानिंग्स की, तो आपने आगे के लिए क्या सोचा हुआ है, क्या करना है और क्या क्या प्लानिंग्स है आपकी? जो स्कूल का प्रोफेशन है, मैं इसमें भी चाहती हूँ कि मैं कुछ और नई चीजें लेकर आऊँ अलीगढ़ के लिए, नए एजुकेशन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा क्योंकि मुझे सोशल वर्क करना या जो वुमेन एजुकेशन है उस पर काम करने का बहुत मन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं गली गली जो बस्ती बस्ती लड़कियां हैं उनको एजुकेट कर दूँ, एटलीस्ट इतना एजुकेट तो कर दूं कि वो अपने आप को स्टैंड कर पाए, उन्हें कोई ट्रेनिंग या कुछ भी ऐसा देके हम लोग स्टेप वो करें। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे ही ज्यादा काम करना चाहती हूँ, चाइल्ड एजुकेशन पे काम करना चाहती हूँ, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे स्पेशली। ओके, तो अगर मैं मैसेज की बात करूँ तो वो क्या मैसेज है जो आप औरतों को, लड़कियों को, और अगर मैं यूथ की बात करूँ तो यूथ को देना चाहती हूँ? औरतों को मैं ये कहना चाहूंगी कि औरतों
को भगवान ने दोनों रूप दिए हैं, एक सौम्य रूप दिया है, वो कहीं बहुत कोमल है, एक बहुत प्यारी माँ है, एक बहुत प्यारी बहन है, बेटी है, लेकिन जब उसका सामना बुराइयों से हो तो वो एक काली का रूप भी है। तो वो अपनी दोनों ताकतों को पहचाने और जब वक्त पड़े उसका जरूर इस्तेमाल करे और अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करे और बहुत खूबसूरत क्रिएशन है गॉड का वुमन, तो उस क्रिएशन को बेहतर होगा कि वो उसको अपने आप को प्रूव करके दिखाए कि यस शी इज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, शी इज बोल्ड। और गर्ल्स के लिए, आजकल की लड़कियों के लिए खास तौर पे मेरा ये मैसेज होगा कि वो कपड़ों से या अपनी फैशन से मॉडर्न ना बने बल्कि अपनी सोच से मॉडर्न बने, अपने पुराने कल्चर को भी मेंटेन करें वो लोग, और उसके बाद नए जो चीजें आ रही हैं, नया जो आजकल आपको फैशन नहीं खास तौर पे, मतलब आप नए जो चीजें आ रही हैं या नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको भी अपनाएं, नया जो आपका कंप्यूटर्स से या जो भी मीडिया से रिलेटेड चीजें हैं या जो भी चीजें वो भी सीखें, सब कुछ सीखें, अपडेट्स रहें, लेकिन अपने पुराने कल्चर को ना छोड़ें। वो भटकना कहीं ना कहीं बहुत हो रहा है आज की डेट में, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भटकना उसमें ये मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा, एक तो एक गर्ल्स जो है इमोशनली थोड़ा सा कभी कभी वीक हो जाती है, तो वो ना हो। और पेरेंट्स को भी मैं चाहूंगी कि वो अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें, उनके साथ वक्त गुजारें ताकि बच्चे ना भटके, उनको एक उनको समझें। आजकल के बच्चों को समझने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम अपने पुराने जमाने के हिसाब से आज के बच्चों को ट्रीट करेंगे जैसे हमारे पेरेंट्स ने किया था तो मसला हल नहीं होगा। हमें नए बच्चों की नई सोच को भी मतलब उनको भी अडॉप्ट करना है, प्लस अपनी सोच जो अपना चीजें हैं वो भी उन्हें बहुत तरीके से सिखानी है, तो ये बहुत जरूरी है। और यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए यही कहूंगी कि फैमिली बॉन्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फेसबुक और मोबाइल्स जो होते हैं, इसके जो दोस्त होते हैं वो दोस्त नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपका एक सर्कल होता है। रियल जो दोस्त होते हैं वो आपकी फैमिली होती है, और उस फैमिली से दूर ना जाएं इस मीडिया की वजह से। तो जैसे आपने अभी फैमिली की बात करी, वैसे ही धड़क की एक फैमिली है, छोटी फैमिली, जो कि ब्रिज कल्चर को प्रमोट करना चाहती है। जैसे कि राजस्थानी कल्चर अपना एक अलग है, गुजराती कल्चर एक अपना अलग है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हो चुका है हमारा यूपी का कल्चर, जैसे हम ब्रिज गुड के नाम से आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली चीज तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आप लोगों ने, धनक ने इस स्टेप को उठाया कि हमारे कल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि हम जब कहीं और जाते हैं और उनका कल्चर देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, और हमारा कल्चर भी बहुत खूबसूरत है। बस प्रॉब्लम यह होती है कि हमारे कल्चर को प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और ये प्लेटफॉर्म देने का काम आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि ये कल्चर और आगे जाए, और इसमें हमारा जो भी सपोर्ट हो पाए हम जरूर करना चाहेंगे, ताकि हम भी फख्र के साथ कह सके कि हाँ हम भी ब्रिज से है। और क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि हमारे कल्चर को कोई पहचानता नहीं है, हमें कहना नहीं पड़े उन्हें कि हमारे कल्चर को, ये हमारा कल्चर है, वो पहले से जानते हैं हमारा कल्चर। बिल्कुल सही बात आपने कही, और बहुत बेहतरीन मैसेजेस आपने आज हमारी सोसाइटी को दिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मैम। जाते जाते आपका ऑटोग्राफ जरूर हम लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू फॉर धनक फिल्म स्कूल, A place of film and television study.